छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी चातुरी नंद के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने सरायपाली पहुंचे, जहां पर सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी सरकार पर भरोसा ही नहीं कर रही, इसीलिए बीजेपी अब मोदी की गारंटी के नाम से फिर से एक नया वादा लोगों के सामने कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकार ने जो भी कर्ज माफी का वादा किया था उसे कुछ घंटों में ही पूरा किया और लगातार अपने वादे को कांग्रेस सरकार पूरा करती आ रही है। इस दौरान सरायपाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चातुरी नंद ने भी छत्तीसगढ़ी और उड़िया भाषा में अपना उद्बोधन देकर मंच से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हुए सरायपाली विधानसभा में सेवा करने का अवसर दें। के प्रचार में हम लोग आए थे और जबरदस्त उत्साह यहाँ किसानों में, मजदूरों में, तेंदुपत्ता संग्राहकों में, महिलाओं में, सब में खुशी की लहर है और समझता हूँ कि 17 तारीख जो मतदान होगा उसमें चातुरी नंद को खूब आशीर्वाद यहाँ की जनता देगी। कोरोना काल के समय व्यापारियों ने ऑनलाइन विरोध में बात की थी, उन्होंने बंद करवाया था, आप याद करिए। दूसरी बात यह है, व्यापारियों के जो ग्राहक है ना उसके जेब में पैसा डालने का काम किया है, तो आज व्यापार व्यवसाय पूरे छत्तीसगढ़ में फला फूला है। मंदी छत्तीसगढ़ में नहीं है, दूसरे प्रदेशों में हो सकता है।